सो आज हम वास्तु में बात करेंगे कि अगर आप नया घर बना रहे हैं तो कौन सी चीज कहाँ आनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है लोग हमारी सर्विसेज नहीं ले पाते, उनका बजट कम होता है या अलग अलग टाइप की अपनी समस्याएं होती हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आप अपने घर में हर चीज को ठीक तरीके से कैसे सेट कर सकते हैं, अपने घर का निर्माण कैसे कर सकते हैं बिना किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं अपने घर में किसी भी कंसल्टेंट को हायर, तो आपको क्या करना है, आप कैसे अपना घर वास्तु से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा वास्तु के अकॉर्डिंग आप अपने घर को कैसे बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य द्वार की, कि हमारे घर में मुख्य द्वार हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्लॉट है, इस तरीके का आपका प्लॉट है, उसमें आपको मुख्य द्वार निकालना है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके का 9x9 का ग्रिड बना लेना है अपने घर का। ग्रिड बनाने के बाद अगर उत्तर दिशा में आपका मुख्य द्वार आ रहा है, तो उत्तर दिशा में ये 9 आपने ग्रिड बना ली, 9 पद बना ली है, ये उत्तर इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। ये मैंने रेक्टेंगल लिया है, आप स्क्वायर प्लॉट हो सकता है आपका, रेक्टेंगल प्लॉट हो सकता है, दिशाएं इधर भी आ सकती है, नॉर्थ यहाँ आ सकता है, तब भी यही सेम रूल लागू होगा। तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आपका मुख्य द्वार आ रहा है, तो आपका नॉर्थ में सबसे पहला पॉइंट आता है आपको ये वाला, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन पॉइंट मिलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में पॉजिटिव एंट्री के लिए। मुख्य द्वार आप यहाँ पे बना सकते हैं 9 पद पे डिवाइड करके इक्वल इक्वल, उसके बाद इन तीन पॉइंट्स पे आपकी मेन एंट्री आ सकती है। अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, यहाँ पर बड़े आराम से आप अपना घर का मुख्य द्वार बना सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में हमारे को पद नंबर 3, ये वाला पद, पद नंबर यहाँ से अगर काउंट करेंगे 1 2, ये 3 आएगा। एक तो ये वाली एंट्री सही मिलती है, एक हमारे को ये वाली एंट्री सही मिलती है। पद नंबर 3 और 4 एंट्री हमारे को ईस्ट डायरेक्शन में, अगर ये पद मैं यहाँ लिख दूँ 1 2 3 4, ये 3 और 4 नंबर पद हैं। ईस्ट फेसिंग अगर आपका मकान है, तो यहाँ पर ये एंट्री आपके लिए वास्तु के अनुसार बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव होने वाली है। इसके बाद चलते हैं साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में हमारे को जो मिलता है, ये मिलता है ये वाला एंट्री और ये वाली एंट्री, ये दोनों एंट्री मिलती है। यहाँ पर पद अगर काउंट करूँ मैं, यहाँ पर 9 आएगा, ये 10 आएगा, 11 और 12 नंबर, ये दक्षिण दिशा में अगर आपकी एंट्री आ रही है, दक्षिण दिशा का आपका मुख्य द्वार आ रहा है, तो ये दोनों एंट्रीज मिलती हैं आपको वास्तु के अनुसार, बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव। अब बात करते हैं हम पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में अगर आपको एंट्री करनी है, पश्चिम दिशा का आपका मुख्य द्वार है, तो एक तो ये सेंटर वाला पद और एक इसके ऊपर वाला पद, ये दो एंट्रीज मिलती हैं पॉजिटिव आपको अपना मुख्य द्वार बनाने के लिए। इसके बाद अब बात हो गई मुख्य द्वार की। इसके बाद आते हैं जब आप घर में अंदर अपने प्रिमाइस में, अपने प्लॉट में बिल्डिंग बनाते हैं, तो अगर आपके पास पूरा प्लॉट है, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, पूरा प्लॉट अगर आपके पास है इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट है, नॉर्थ यहाँ आ रहा है, ईस्ट यहाँ आ रहा है, साउथ यहाँ, वेस्ट यहाँ, इसमें आपको अगर प्लॉट बनाना है, इसमें अगर आपको मकान बनाना है सॉरी, तो आपका मकान हमेशा यहाँ पर आना चाहिए टुवर्ड्स साउथ और वेस्ट। नॉर्थ में आपको सबसे ज़्यादा ओपन स्पेस छोड़ना है, उससे कम ओपन स्पेस आएगा आपका ईस्ट में, उससे कम ओपन स्पेस आएगा आपका वेस्ट में, और सबसे कम ओपन स्पेस आएगा आपका साउथ में। इस तरीके से आपको प्लॉट में बिल्डिंग बनानी है। ये पूरा आपका प्लॉट हो गया, इसके अंदर आपने बिल्डिंग यहाँ बना ली। अब हम बात करते हैं कि बिल्डिंग के अंदर आप कौन सी चीज़ कहाँ पे
ला सकते हैं। सबसे पहले बात आती है किचन की, फायर की बात आती है दोस्तों। फायर किचन आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आनी चाहिए। किचन का जो आपका डायरेक्शन बनती है, ये पूरा एरिया आप किचन के लिए बड़े आराम से निकाल सकते हैं बिल्डिंग के अंदर। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये आपके किचन के लिए सबसे अच्छी पोजीशन बनती है। अब इसमें किचन में अंदर कैसे बनाएंगे, किचन में आपकी गैस जो आएगी, इस तरीके से आप अपना स्लैब बना सकते हैं। गैस आपकी हमेशा ईस्ट वाली वॉल पे, ईस्ट फेसिंग में आएगी। यहाँ इधर जो भी यहाँ खड़े होकर कुकिंग कर रहा है, उसका फेस ईस्ट की तरफ रहना चाहिए। सिंक आपका हमेशा नॉर्थ वाली दीवार पे आएगा, यहाँ पर आपको हमेशा सिंक आना चाहिए। इसके बाद चलते हैं मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम कहाँ आ सकता है दोस्तों, मास्टर बेडरूम आएगा आपका सबसे बढ़िया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ये आपके मास्टर बेडरूम के लिए, सबसे अच्छी जगह बनती है। इसके बाद किड्स बेडरूम आप दक्षिण दिशा में ले सकते हैं। यहाँ पर कहीं पे भी आप अपने बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं। दक्षिण दिशा में आ सकता है, पश्चिम में आ सकता है, इन दोनों दिशाओं में बेडरूम एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है। ये दोनों भी बेडरूम के लिए बहुत अच्छी दिशाएं बनती हैं। इसके बाद आती है बात टॉयलेट की। टॉयलेट कहाँ आएगा, यहाँ पर ये डायरेक्शन, ये एरिया आपका जो बनता है, ये टॉयलेट के लिए बहुत अच्छा है। टॉयलेट यहाँ भी आपका आ सकता है अगर बेडरूम नहीं आ रहा। टॉयलेट दक्षिण के मध्य में भी जा सकता है आपका, आपका टॉयलेट पश्चिम में जा सकता है। टॉयलेट के लिए आपको ये पूरी जगह मिलती है, ये पूरा एरिया, कहीं पे भी आप इस एरिया में टॉयलेट बना सकते हैं, वॉशरूम बना सकते हैं। बेडरूम के लिए हमने बताया मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में आएगा। यहाँ पर कभी भी नैऋत्य कोण के कॉर्नर में कभी भी कोई भी टॉयलेट नहीं आएगा, इस वाले भाग में टॉयलेट नहीं आएगा, यहाँ पर कभी भी कोई टॉयलेट नहीं आएगा। उत्तर और पूर्व में तो वैसे भी टॉयलेट नहीं आता, इस वाले पूरे एरिया में कभी भी टॉयलेट नहीं लाना। यहाँ पे इस वाले एरिया में कभी भी टॉयलेट नहीं लाएंगे आप, इस वाले एरिया में कभी भी टॉयलेट नहीं लाना, एक चीज का खास ख्याल रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं ब्रह्म स्थान के एरिया में बात करते हैं। ब्रह्म स्थान आपका हमेशा खाली रहना चाहिए, ये जो एरिया है ये हमेशा खाली रखेंगे आप। ये ब्रह्म स्थान वाला एरिया हमेशा एम्प्टी रहेगा, यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है। वास्तु के अनुसार बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है अगर आप ब्रह्म स्थान को ऑक्यूपाई करते हैं। इसके बाद आती है स्टेयर केस की लोकेशन की बात। स्टेयर केस बनाने के लिए आपको यहाँ कॉर्नर से ये पूरा एरिया, कहीं पे भी आप स्टेयरकेस बना सकते हैं, ये पूरा एरिया आपको मिलता है स्टेयरकेस के लिए। ये मैं बाहर बाहर मार्क कर देता हूं ताकि समझने में आपको आसान हो जाए। ये पूरा एरिया आपको स्टेयर केस के लिए मिलता है। ये एल शेप पे मैंने एरिया मार्क करा है, इसमें कहीं पे भी आप स्टेयर केस बना सकते हैं। स्टेयर केस हमेशा क्लॉकवाइज चलेगी, जब भी ऊपर चढ़ेंगे इस तरीके से ऊपर गए, ऊपर जाके हमेशा क्लॉकवाइज आपको घूमना है। स्टेयर केस कभी भी चाहे किसी भी दिशा में आ रही हो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जानी चाहिए स्टेयर केस। एक बात का खास ख्याल करेंगे, कभी भी मैरिड कपल नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में नहीं आएगा। कोई भी मैरिड कपल नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट में नहीं आएगा,
कभी भी किसी कपल का बेडरूम इन दिशाओं में नहीं आना चाहिए। वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है अगर इस दिशा में किसी भी कपल का बेडरूम आ रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको अपने घर में बोरवेल बनाना है, आपका कोई भी अगर प्लॉट है उसमें आप बोरवेल बनाना चाहते हैं, नॉर्थ में ये वाला एरिया आपको मिलता है बोरवेल और अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए, ईस्ट में आपको ये वाला एरिया मिलता है बोरवेल और अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए। इन दिशाओं में, इन जगहों पे, इन पॉइंट्स पे आप बोरवेल बना सकते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक पश्चिम दिशा के मध्य में आएगा आपका ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक हमेशा वेस्ट के मिडल में आएगा। ये वरुण देवता का स्थान होता है, पानी के देवता का स्थान है। नैऋत्य कोण में कभी भी वाटर टैंक नहीं आएगा, नो वाटर टैंक, यहाँ पर कभी भी वाटर टैंक नहीं लगाना। ओवरहेड वाटर टैंक पश्चिम के मध्य में आएगा, वरुण देवता के स्थान पे आएगा ओवरहेड वाटर टैंक। जो घर के ऊपर पानी की टंकी आप लगाते हैं वो वेस्ट के मिडल में आएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।